मन्नत और थप्पड़। ये निकाह तो होने से। इबादत ने रुकवाई मन्नत और सुभान की शादी। खबरदार जो मुझे गवार कहा तो। शुरू हुआ नया तमाशा। सुभान और मेरा निकाह तो होकर रहेगा। दो बहनें एक आदमी के साथ एक ही वक्त में निकाह नहीं कर सकती। जी टीवी के सीरियल रब से है दुआ में आए दिन तमाशे तो चलते ही हैं, लेकिन आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। असल में आज दिन है जब सुभान और मन्नत एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हो गई है गड़बड़ क्योंकि आ गई है इबादत सच लेकर। और देखिए कैसे सबके सामने वो कर रही है सच को बयां कि मन्नत और इबादत सगी बहने हैं और ऐसे में सुभान से मन्नत शादी नहीं कर सकती है। और सबको ये बात माननी ही पड़ी क्योंकि इबादत सच जो कह रही है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि ये निकाह मुझे कुछ नहीं समझना है, आप सिर्फ निकाह पढ़वाइए, वरना कहिए तो मैं किसी दूसरे काजी को बुलाती हूँ। दुनिया का कोई भी ईमानदार काजी मन्नत और सुभान का निकाह नहीं पढ़वा सकता। बहुत कर ली तुमने मनमानी, करो ये तमाशा, ये निकाह तो होने से रहा। इसकी औकात मैं सबको दिखा ही चुकी हूँ, इसलिए काजी साहब इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप निकाह पढ़वाइए। देख रहे हैं आप मामू जान, ये लड़की आपकी बहू बनना चाहती है, से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। किस तरह से बात कर रही है ये काजी साहब के साथ, जैसे काजी साहब इसके घर के नौकर हो। मन्नत, हमारी अम्मी ने हमें एक जैसी तरबियत दी, बराबर की तालीम दी, हमें कॉन्वेंट स्कूल में भेजा, साथ ही साथ हमें मजहब के बारे में भी बताती रही, क्योंकि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, एक नेक जिंदगी जीने के लिए मजहब के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सा भी पता होता ना तो आज ऐसे गवारों जैसी बातें नहीं करती। तो शट अप इबादत, खबरदार जो मुझे गवार कहा तो। वरना तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि गाली का जवाब गाली से देना मुझे आता है, पर आज तुम चाहे कुछ भी करो, सुभान और मेरा निकाह तो होकर रहेगा। नहीं होगा, और आज इस निकाह को मैं नहीं रोकूंगी, ये मजहब रोकेगा। कैसे रोकेगा कि तुम और मन्नत सगी बहने नहीं हो तो मजहब कैसे रुकेगा ये निकाह? सबने ये तो जान लिया है कि मैं और मन्नत इस दुनिया में अलग अलग गांवों से आए, पर सबको ये भी तो मालूम है ना कि हम दोनों के अब्बू तो एक ही। इस्लाम कहता है कि बाप एक हो या माँ एक हो, दो बहने एक आदमी के साथ एक ही वक्त पे निकाह नहीं कर सकती। अब दोनों अख्तर सिस्टर्स अपने पे आ गई हैं और दोनों ऐसी जंग छेड़ गई है दोनों के बीच में कि अब कोई बीच में नहीं आ पा रहा है तीसरा। और ये तो बहुत बड़ी जंग है क्योंकि इस जंग का प्राइज जो है वो सुभान है, और हमेशा से सुभान मन्नत से प्यार करता है, इबादत सुभान से प्यार करती आई है, लेकिन सब कुछ मैसअप हो गया है क्योंकि अभी इबादत सुभान की बीवी है लेकिन मन्नत ने सुभान को इबादत के खिलाफ भड़का दिया है और उसे यकीन दिला दिया है कि असल में वो मन्नत का ही होना चाहिए। लेकिन अब इबादत को सब सच पता चल चुका है कि मन्नत ने सब झूठ मैनिपुलेशन से किया है, तो अब उसने कहा है कि मैं सुभान को वापस पाके रहूँगी। तो अब मन्नत और इबादत फुल लॉन वॉर मोड में। भाई सब ने जब ये बात मान ली और काजी भी निकाह पढ़वाने को तैयार नहीं हुए तो मन्नत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो करने लगी बदतमीजी। ऐसे में देखिए कैसे इबादत ने मन्नत को थप्पड़ ही जड़ दिया और उसके मुंह पर उसे खरी खोटी सुनाई। मैं किसी कानून को नहीं मानती काजी साहब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सुभान से प्यार करती हूं और हमारा निकाह होकर रहेगा। ये गुनाह है। गुनाह सब आपकी जिम्मेदारी, आप हम पर छोड़ दीजिए, आप निकाह पढ़वाइए। सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर बैठूंगी। गजल ने जन्म मुझे दिया है पर उसका असर तुम पे दिखाई देता है। गजल मेरी अम्मी की जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म था और तुम मेरी जिंदगी का नासूर बनी हो। अब तक तो इबादत सिर्फ मन्नत की सुनती थी, उसे समझाती थी, उसे गुस्सा भी करती थी, लेकिन अब इबादत ने सब रिश्ते नाते लिहाज तहजीब सब छोड़ दिया है और बोला है कि अब मैं सच के लिए लड़ रही हूँ तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूँगी। अब वो मन्नत से वन ऑन वन लड़ाई कर रही है और उसे मुँह पे सुना रही है अच्छा बुरा, तमीज़ तहजीब छोड़कर सब कुछ। तो अब जो लड़ाई हो रही है वो असली लड़ाई है। भाई अब इबादत चुप नहीं बैठेगी, वो मन्नत और सुभान को अलग कर कर ही रहेगी क्योंकि वो जान चुकी है कि मन्नत ने क्या चाल चली है सुभान को पाने की। अब देखना होगा कि कैसे इबादत अपने इरादों में कामयाब होती है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए बैग फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। देखिए, नाम तो आप सब जानते ही है ना, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।